हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मे हैव का प्रयोग। मे हैव, देखिए सेंटेंस जो भी होगा देखने में तो ऐसा फील होगा कि ये है पास्ट फ्यूचर, देखने में ऐसा फील होगा कि ये फ्यूचर टेंस है, लेकिन ये फ्यूचर नहीं। ये जो भी सेंटेंस होगा वो संभावना व्यक्त करेगा, पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग मे हैव का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर की बात होगी, ऐसा लगेगा कि फ्यूचर में है, लेकिन फ्यूचर की बात नहीं है, बात की जाएगी पास्ट की में। जैसे है कि आपने मेरा नाम सुना होगा, मैंने पहले कभी सुना होगा, तो बात तो पास्ट की है लेकिन होगा होगी है, ऐसा लग रहा है फ्यूचर की, लेकिन फ्यूचर की नहीं है। ये संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि आपने मेरा नाम सुना होगा, तो ये टेंस तो है, यानी कि संभावना व्यक्त कर रहा है, पास्ट की बातें की जा रही है फ्यूचर में। टेंस देखने में लग रहा है फ्यूचर है, लेकिन ये बातें हैं पास्ट की। वह घर पर समय से पहुंच गई होगी, यानी कि घर पे कभी से पहले से चली है, लगता है हम लोग सोच रहे हैं, कह रहे हैं आपस में कि वो समय से घर पर पहुंच गई होगी। वे लोग मेरा धन चुरा लिए होंगे, हम लोग डाउट कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि वे लोग मेरा धन चुरा लिए होंगे। शिवम एक कार खरीद लिया होगा, सोच रहे हैं हम लोग, संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि शिवम ने एक कार को खरीद लिया होगा। उसने मुझे गाली नहीं दिया होगा, उसने मुझे गाली नहीं दिया होगा, ये संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि नहीं नहीं वो मुझे गाली नहीं दे सकता, उसने मुझे गाली नहीं दिया होगा। योगी जी गाजीपुर नहीं आए होंगे, योगी जी गाजीपुर नहीं आए होंगे। ये जो भी सेंटेंस है ना, सब का सब है मे है, यानी कि पास्ट की बातें की जाएगी। देखने में, सेंटेंस को पढ़ने में ऐसा फील होगा कि फ्यूचर की, लेकिन फ्यूचर की बातें नहीं है। थोड़ा इसमें डिफरेंस समझिएगा, ये पॉसिबिलिटी को शो करेगा। जैसे आपने मेरा नाम सुना होगा, देखिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मे है प्लस MB3 अदर वर्ड। पहले हमें आपने मेरा नाम अवश्य सुना होगा, सब्जेक्ट मेरे बाबू यू लिखिएगा ना, उसके बाद मे हैव यहां पर उतार दीजिए। मे हैव के बाद जो भी होगा होगी आपको देखने को मिलेगा बाबू, उससे पहले जो भी रहेगा ना, नाउ सॉरी वर्ब ही रहेगा, उससे पहले जो भी रहेगा वर्ब ही रहेगा, तो उस वर्ब को लिखना है सुनना बाबू हर्ड। हर्ड क्या सुनना है, तो मेरा नाम, माई नेम। यार यू मे हैव हर्ड माई नेम। वह घर पर समय से पहुंच गई होगी, सी मे हैव पहुंच गई होगी, रीच्ड होम। बाबू रीच्ड के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, रीच्ड होम इन टाइम, इन टाइम। वे लोग मेरा धन चुरा लिए होंगे, वे लोग मेरा धन चुरा लिए होंगे, दे मे हैव स्टोलेन माई मनी। शिवम एक कार खरीद लिया होगा, शिवम मे हैव बाट ए कार। उसने मुझे गाली नहीं दिया होगा, उसने मुझे गाली नहीं दिया होगा, ही मे हैव, सॉरी बाबू नॉट है ना, यू मे नॉट हैव abused me। योगी जी गाजीपुर नहीं आए होंगे, इस सेंटेंस का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज मेरे बाबू लाइक सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करना ना भूले, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार के और बहुत सारी वीडियो ला सकूं।